और भूजल पर हरियाणा की निर्भरता के मद्देनजर आने वाला भविष्य ज्यादा उज्जवल नजर नहीं आ रहा। वो दिन दूर नहीं जब पानी के लिए प्रदेश में त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। भूजल पर हरियाणा की निर्भरता के मद्देनजर आने वाला भविष्य ज्यादा उज्जवल दिखाई नहीं दे रहा। वो दिन दूर नहीं जब पानी के लिए प्रदेश में त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस विपदा से सिर्फ सरकार ही प्रदेशवासियों को बचा सकती है, बशर्ते उसकी कथनी और करनी एक दूसरे से मेल खाए। हालांकि प्रदेश को 200 लाख एकड़ फीट पानी की जरूरत है। यमुना और भाखड़ा से करीब 23 लाख एकड़ फीट पानी प्रदेश को मिल पाता है, जबकि 120 लाख एकड़ फीट पानी की आपूर्ति 8,47,750 ट्यूबवेल्स पर टिकी है। वहीं 2,97,000 डीजल पंप और 5,50,000 डीजल पंप सेट भी लगे हैं। इस तरह प्रदेश में फिलहाल 57 लाख एकड़ फीट पानी की कमी है। प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी भी नहीं मिल पा रहा। हालांकि राज्य में साल दर साल पानी का जलस्तर गिरता ही जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में 1999 में 7.6 मीटर, 2005 में 13.7 मीटर, 2006 में 14.4 मीटर, 2007 में 15.4 मीटर, 2008 में 15.7 मीटर, 2009 में 16.3 मीटर, 2010 का आंकड़ा 17.0 मीटर, 2011 17.8 मीटर, 2012 में 18.8 मीटर पानी का जलस्तर लगातार गिरता गया। हरियाणा में गिरते भूजल स्तर का सबसे बड़ा कारण बड़ी मात्रा में धान की खेती होना भी है। हरियाणा गठन के समय प्रदेश में धान का रकबा 1,92,000 हेक्टेयर था, जो पिछले साल 14,22,000 हेक्टेयर को पार कर गया। एक एकड़ धान में करीब 26 बार पानी लगाने की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सुधर सकती है स्थिति, लेकिन आज अगर देखें तो आज हमारा जो भूजल का जो स्तर है वो बहुत गिरता जा रहा है, और उसके कारण से उसमें से जितना पानी दोहन हो ठीक है, मिल्किंग हो ठीक है, लेकिन एक्सप्लाइटेशन हो रहा है, और उस एक्सप्लाइटेशन में जो एक जिम्मेवारी सबको निभानी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं उसकी कमी का आभास हो रहा है। तो आज मैं केवल उसी विषय को लेकर के आगे बढ़ूंगा कि उसमें हम सबको जिम्मेवारी के साथ सरकार को भी और लोगों को खास करके किसानों को उसमें भी सहयोग हमको हम अपील करते हैं कि वो हमारा सहयोग करें। और काफ़ी जिले यानी डार्क जोन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ब्लॉक्स और जिले कुल मिलाकर के ये वाटर सॉयल वाटर कंजर्वेशन क्या क्या बोर्ड का नाम है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर कंट्रोल बोर्ड जो है वो केंद्र सरकार का बनाया हुआ, वो उस पर अध्ययन करते हैं तो उसका बताते हैं कि ये आपका डार्क जोन हो गया है। साथ ही बड़े औद्योगिकरण, शहरीकरण और कृषि में पानी की लागत में निरंतर इजाफा हो रहा है। लाखों लीटर पानी रोजाना व्यर्थ बह जाता है। जिले में भूजल संचयन के इंतजाम शून्य है। इस वजह से साल दर साल एक लीटर की दर से भूजल स्तर गिरता जा रहा है। अगर इस सिचुएशन को गंभीरता से नहीं लिया गया तो पेयजल और कृषि के लिए लगाए गए समरसिबल पंप और गहरे करने पड़ेंगे। इस बार सूखे की वजह से कई गांवों में किसानों को समरसिबल मोटर की गहराई बढ़ानी पड़ेगी। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज़।